कॉग्निशन एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज की हमारी जो विषय वस्तु है वह है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इससे पहले कि हम लोग संक्षेप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, उससे पहले आप कुछ देखें हमारे हाथ में क्या है। अगर आप देखो तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है, आइस है। और यहां पे देखिए आपको वाटर वेपर संभव दिख रहा होगा। यहां पे मैंने वाटर रखा है और इस वाटर में चूंकि ये काफी गर्म है तो ये आप देख रहे हैं वाटर वेपर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हमारे हाथ में आइस है, वाटर है और ये वाटर वेपर। अगर हम आइस को यहां पे डुबा दें तो आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों चीजें आपको एक साथ देखने को मिल रही है। तीनों स्टेज आप इधर से आप इस वाटर को जो है अब देख सकते हैं, राइट। अब देखिए इसे दिखाने के पीछे हमारा रीजन क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है इससे ये डायरेक्टली सरोकार रखता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, या फिर अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं ये क्या है, अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। जहां तक सवाल है मैटर का, तो मैटर जो है इसके तीन स्टेट्स होते हैं। मैटर जो है वो तीन स्टेट में हम लोगों को मिलता है। स्टेट का मतलब झारखंड, बिहार, यूपी, इस तरह का स्टेट नहीं है। यहां पर ये तीन फॉर्म में मिलता है, राइट। कौन कौन सा स्टेट होगा, तो पहला स्टेट जो है हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, दूसरा जो है वह है लिक्विड स्टेट, और तीसरा जो है वह है गैसियस स्टेट। तो ये तीन स्टेट जो है वो मैटर के होते हैं। मैटर के तीन स्टेट कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब यहां पे देखिए ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब है कि एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोगों को ये तीनों के तीनों स्टेट्स एक साथ देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वाटर के वो तीन स्टेट कौन कौन से हैं, राइट। तो सॉलिड के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो आइस होगा, लिक्विड के फॉर्म में वाटर जो है इटसेल्फ होता है, और गैसियस स्टेट में अगर हम लोग देखें वाटर वेपर। तो यही तीनों चीजें जो है हम लोगों को एक साथ मिलेंगी। तो कैसे मिलेंगी, उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो एक खास प्रेशर की हम लोग बात करते हैं और वह प्रेशर जो है वह क्या है, तो इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर कहते हैं। ये होता है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये कितना होता है, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, एचजी इन द सेंस जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं मर्करी। या फिर अगर पास्कल में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 6.11 × 10⁻³ पास्कल। ये दोनों एक ही चीज, दोनों अलग अलग यूनिट में हम लोग यहां पर बात कर। ठीक उसी तरह से अगर ट्रिपल पॉइंट फॉर टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 273.16 केल्विन, या फिर 0.01 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो एक खास पर्टिकुलर प्रेशर, वो प्रेशर क्या है, तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या फिर 6.11 × 10⁻³ पास्कल। अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो दैट इज 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए पॉइंट corresponding to which temperature and pressure are such that water coexists in its three state, that is solid, liquid and gas। तो एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर जो है अपने तीनों फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ। और इसके लिए वो खास प्रेशर
जो हमने आपको बताया वो कितना होना चाहिए, तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या फिर 6.11 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 पास्कल। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 273.16 केल्विन या फिर 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर को अगर आप मेंटेन करेंगे तो एक ही साथ आपको वाटर के तीनों फॉर्म जो है देखने को मिलेंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये तीनों ही आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो फाइनली अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द पॉइंट करिस्पॉन्डिंग टू विच प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सच दैट वाटर को एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज आइस जो कि उसका सॉलिड फॉर्म है, वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म और वाटर वेपर दैट इज द गैसेस। तो यहां पे देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है एक खास पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पर हम लोग देखेंगे कि वाटर के तीनों स्टेट्स मिलेंगे, आइस मिलेगा जो कि सॉलिड स्टेट होगा, वाटर मिलेगा जो कि लिक्विड स्टेट होगा और वाटर वेपर मिलेगा जो कि गैसेस स्टेट होगा। लेकिन इन तीनों स्टेट्स के लिए आपको एक खास प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इट इज फाउंड दैट वाटर कोएग्जिस्ट इन इट्स ऑल द थ्री स्टेट्स एट ए प्रेशर 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या फिर 6.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 पास्कल एंड टेम्परेचर टीटीआर दैट इज 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द पॉइंट corresponding to which temperature and pressure are such that water coexist in all the three states of matter, that is ice जो कि solid form होगा, water जो कि liquid form होगा और water vapor जो कि gaseous form होगा। और इसके लिए आपने देखा कि क्या temperature होना चाहिए, that is 273.16 Kelvin या फिर 0.01 degree Celsius। प्रेशर क्या होना चाहिए, तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या फिर 6.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पास्कल, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। होप सो आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा। आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर जो है ये कितना होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको आपको मेमोराइज करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।